दर्शकों नमस्कार, आपका आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आ चुके हैं ब्रह्म सरोवर, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित ब्रह्म सरोवर आस्था एवं विश्वास का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह सरोवर नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में दीपदान और आरती के समय अपनी आभा से विशिष्ट छटा बिखेर देता है। हेमंत ऋतु में यह सरोवर जीवंत हो उठता है, क्योंकि विभिन्न पक्षी दूर सुदूर से इस सरोवर में आते हैं। उनके कलरव से संपूर्ण वातावरण खुशनुमा हो जाता है। यही कारण है कि इस अवसर पर सरोवर सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के श्रद्धालु इस अवसर का अत्यंत लाभ उठाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी भूमि से ब्रह्मांड की संरचना की थी। सरोवर के उत्तरी तट पर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र मंदिर स्थित है। इस तीर्थ को सर्वेश्वर महादेव भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार शिवलिंग को भगवान ब्रह्मा जी द्वारा यहां पर स्थापित किया गया था। नवंबर दिसंबर में सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह मनाया जाता है। पंडित श्री बलराम गौतम जी द्वारा कात्यायनी मंदिर में निशुल्क कर्मकांड की विभिन्न विधाओं का ब्राह्मणों को अभ्यास कराया जाता है। मेरा नाम कुणाल शर्मा है, मेरा गोत्र अत्रिय है। मैं यहाँ पर ब्रह्म सरोवर पर रहता हूँ। मैं कुरुक्षेत्र से ही आया हूँ, वैसे मैं अमृतसर से हूँ। यहाँ पर हम शिक्षा लेने आए हैं वेद मंत्रों की। आप क्या पाठ करते हैं, क्या सीखते हैं आप? हमारे गुरुजी पढ़ाते हैं हमको कर्मकांड। कर्मकांड? हाँ जी। आप किसी भी कर्मकांड का जो मंत्र सुना सकते हैं हमें? हाँ जी, सुना दीजिए कोई भी। ओम मा स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्तिना भूकंश्वेदाहा स्वस्तिना चरक्षो अर्चनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। प्रत्येक दिवस की संध्या को महाआरती का आयोजन इस सरोवर के तट पर किया जाता है। आरती धर्म में आस्था रखने वालों के मस्तिष्क और चित्त को मंत्र मुग्ध कर देती है। पंडित श्री बलराम गौतम जी द्वारा इस आरती का संचालन किया जाता है। आइए महाआरती का दर्शन करते हैं। शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम् शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव समस्तु नः इयं या परमेश्वरिणीः वाग्देवी ब्रह्म संसिता येयैव ससृजे घोरम् तेयैव शान्तिरस्तु नः इदं यत् परमेश्वरिणं मनोवां ब्रह्म संसितम् येनैव ससृजे घोरम् तेनैव शान्तिरस्तु नः इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः स्वस्थानि मे हृदि ब्रह्मणा संसितानि येनैव ससृजे घोरम् तेनैव शान्तिरस्तु नः शन्नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापतिः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वान् समन्तकः उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शन्नो दिविचराग्रहाः नक्षत्रमुल्काभिहतं समस्तुनः शन्नो विचाराः समसन्तु कृत्याः शन्नो
विखाता मुलगा समुलगा देशोपसर्गा समनो भवन्तो शनो ग्रहाश्चन्द्रमसा समादित्यश्च राहुणा शनो वृत्तिरथो मकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः शं रुद्राः शं वसवः समादित्याः समग्नयः शन्नो महर्षयो देवाः शं देवाः शं बृहस्पतिः। भवानी सहितं नमामि वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं गिरिधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। करचरणकृतं वाकायदं करमदं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्तमस्व जय जय करुणाभ्ये श्रीमहादेव शंभो। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः पाहि मां सर्वदा देव सर्वपापहरो भव। ॐ विश्वेश्वरे जगद्धात्रे स्थितिसंहारकारिणे निद्रां भगवती विष्णो रतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वचक्तारस्वरात्मिका सुधातमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्थमात्रात्मिका नित्यायानुचार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयेतत्थार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् त्वयेतत्पाल्यते देवि त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जापोश्रेष्ठधातुस्त्वं शान्तिः शान्तिरेव च फणगिनी शोलिनी घोरा गगनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापि निपानभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तभिसुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं सूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां सोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणा महमीशान एव च कारिताश्च यतो तस्त्वां का स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावेश्वरुदारे देवि संस्तुता मोहयेतो दुराधर्षवसरो मधुकेटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधस्य कृतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ
देवा स्थान धर्मान प्रथमान्यासन तेहनातम महिमान सजंत तत्र पूर्वे साध्या संति देवा ओम एकदंताय विद्महे वक्रदंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात् ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ओम वाग्देवी च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम कालिकायै च विद्महे शुशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो भोरः प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् ओम तीर्थराजाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो अम्बुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धर्म फल अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की। यहाँ कैसे पहुँचा जाए? हवाई जहाज के मार्ग से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा दिल्ली और चंडीगढ़ में है, जो सड़क और रेल द्वारा कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डों से टैक्सी सेवाएं भी आसानी से उपलब्ध हैं। ट्रेन से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, जिसे कुरुक्षेत्र जंक्शन भी कहा जाता है, मुख्य दिल्ली अम्बाला रेलवे लाइन पर स्थित है। कुरुक्षेत्र देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर आकर रुकती है। सड़क मार्ग से हरियाणा रोडवेज की बसें और अन्य पड़ोसी राज्य निगम की बसें कुरुक्षेत्र को दिल्ली, चंडीगढ़ और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ती है। यहाँ से दिल्ली 160 किलोमीटर, अम्बाला 40 किलोमीटर और करनाल 39 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं।